तो वहीं 15 अगस्त को रिमझिम बारिश के बीच जगह जगह स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण हुआ। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा के मंदिर में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। दरअसल राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का ये मामला विदिशा जिले की तहसील सिरोंज के ग्राम हरिपुर आफताब नगर से निकलकर सामने आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा बंद कमरे के अंदर ही झंडा वंदन किया गया, जिससे कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ और राष्ट्रभक्तों का हृदय आहत हुआ है। वहीं जब इस मामले पर ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ना तो स्कूल समय पर खुलता है और ना ही शिक्षक समय पर आते हैं, और इतना ही नहीं, बच्चे जब स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो शिक्षक अपने मोबाइल चलाने में मस्त रहते हैं। इसके तहत ही जब इस मामले पर संबंधित शिक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पानी गिरने के कारण बंद कमरे के अंदर ही झंडा वंदन कर दिया गया, और शिक्षक यहीं तक नहीं रुके, जल्दबाजी में ये भी बोल गए कि समय अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं। मामला ये है कि कल परसों के दिन 15 अगस्त की आते मैं मोड़ी छो के सुन से आया और मैंने देखा तो अंदर स्कूल में बहुत सारे लोग बैठे और अंदर तिरंगा ले रहा था। तो आपको द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि हरिपुर प्राथमिक शाला स्कूल भवन में रूम के अंदर झंडा वंदन किया गया है, जो कि विधिवत झंडा संहिता का पालन नहीं किया गया है। क्या नियम है, क्या कार्रवाई? ध्वज संहिता का पालन न करने में जो भी कार्रवाई बनेगी, विधिवत कार्रवाई की जाएगी और वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन लेकर दोनों शिक्षकों पर विधिवत कार्रवाई कर यहाँ से अनुशंसा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास खंड अधिकारी ओम प्रकाश रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, एमकेएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है, और अगर सिरोंज की बात करें तो वहां एक विद्यालय से ये जो फुटेज वायरल हो रहा है, इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यहां जो झंडा वंदन है वो बंद कमरे के अंदर किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान का मामला भी बनकर सामने उभर रहा है। ग्रामीणों से जिस तरीके से आपकी बात हुई, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इस मामले को लेकर क्या एक्शन लिया गया है? जनता का अपमान हुआ है, इसकी जांच कराएंगे और जांच के उपरांत यदि दोषी है तो उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वही ओम प्रकाश जी, ये मामला किस तरीके से उभर रहा है, क्योंकि वहां पे जो शिक्षक है उनका ये भी कहना है कि लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से इस तरीके से झंडा वंदन लगातार हो रही थी। तेज बारिश के कारण यदि ऐसा हुआ है, मेरे संज्ञान में आया हुआ, बारिश तो लगातार सरोज में हुई थी, सारे कार्यक्रम में बारिश में ही हुए हैं। हम लोगों ने भी झंडा वंदन जो किया था, बारिश गिरते पानी नहीं किया था जी। ठीक है ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि सिरोंज से ये मामला सामने आया है, जहां बंद कमरे के अंदर ही ये ध्वजारोहण किया गया है, और जब इस पूरे मामले को लेकर विकास खंड अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लगातार तेज बारिश के चलते इस तरीके से बंद कमरे के अंदर ये ध्वजारोहण किया गया है और इस मामले का संज्ञान लिया जाएगा और जल्द से जल्द कार्यवाही भी की जाएगी। बंद कमरे के अंदर ही ये ध्वजारोहण किया गया है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन लगातार तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा था और इसी के चलते ये स्कूल की जो बिल्डिंग है इसके अंदर बंद कमरे के अंदर ध्वजारोहण किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ध्वजारोहण को लेकर गाइडलाइन जारी की जाती है कि जो ध्वजारोहण है वो बाहर होगा, खुले मैदान में होगा और सूर्यास्त से पहले पहले उसको हटा भी दिया जाएगा। लेकिन कहीं देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर लगातार ध्वजारोहण का अपमान करने का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा ही एक मामला सिरोंज से सामने आया है, जहां की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि बंद कमरे के अंदर ध्वजारोहण किया गया है। और ग्रामीणों से जब इस मामले को लेकर बातचीत की तो उन्होंने लगातार शिक्षकों पर कई बड़े सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करते, साथ ही वो अपने मोबाइल फोन में लगे रहते हैं और वहां पर समय कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लगातार जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों से बातचीत में भी साफ तौर पर यह मामला उभर कर आ रहा है कि स्कूल की हालत काफी बदहाल है, और जब इस पूरे मामले को लेकर विकास खंड अधिकारी से भी चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और जल्द से जल्द इस मामले को लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए शिक्षक दीवान सिंह पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीवान जी, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ तौर पर देखा जा चुका है कि आप लोग की ओर से बंद कमरे के अंदर झंडा वंदन किया गया है, क्या इसका मुख्य कारण माना जा सकता है?
दीवान जी, जिस तरीके से ये वीडियो सिरोंज से वायरल हो रहा है, इसमें देखा जा सकता है इसकी स्कूल में बंद कमरे के अंदर आप लोग के द्वारा झंडा वंदन किया गया है, क्या इसका मुख्य कारण माना जा सकता है? मैंने कहा बंद कमरे में नहीं हुआ, पालकों के द्वारा मतलब फहराया गया है, मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरी नहीं करने दी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जी। तो दीवान जी, लगातार अगर ग्रामीणों से भी इस मामले को लेकर बातचीत की तो उनका ये भी कहना है कि वहाँ ढंग से पढ़ाई नहीं कराई जाती और शिक्षक मौके पर वहाँ मौजूद नहीं रहते हैं। नहीं नहीं सर, मौजूद थे हम भाई। लगातार आप लोग की ओर से ये भी कहा गया है कि उस दिन तेज बारिश भी हो रही थी, क्या यही इसका मुख्य कारण माना जा सकता है? अंदर चला दिया उसने, तो जो मंत्री हो गई बाहर, सामने झंडा बाहर भी करा रहा है, मैं आपको बता रहा। ठीक है दीवान सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि बंद कमरे के अंदर ही ये ध्वजारोहण करने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, वहीं जब शिक्षक से इस मामले पर चर्चा की गई तो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि जब बारिश रुक गई थी तो उसके बाद हमने ये झंडा बाहर भी खुले मैदान में भी फहराया। तो अब लगातार ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है और कहीं ना कहीं 15 अगस्त के दिन ये जो झंडा वंदन किया गया है ये बंद में किया गया है।